Welcome all the viewers to Engineering and Technology YouTube channel. I am your host and friend Vivek Chaudhary. Friends, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में लेयर पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूँ. इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, हर एक कमांड, हर एक चीज के बारे में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने कुछ ऑडियंस के लिए बनाई है. मुझे कमेंट में बोला बहुत से लोगों ने कि आप लेयर्स पैरामीटर के ऊपर वीडियो बनाइए. सो फ्रेंड्स, आपने कहा, सो वीडियो हाजिर है आपके लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. जैसे हम इसको लेयर पैरामीटर्स को ओपन करते हैं, हमें दो जगह ऑप्शन मिलता है. आप देख सकते हैं, एक ये है एंड एक ये है हमारा लेयर. तो जैसे हम ओपन करते हैं, हमारा इंटरफेस खुल के आता है. और इसमें हमें एक तो ये हमारा लेयर हो गया, ये पूरा हमारा लेयर है. यहीं से हम कटिंग की ये लेयर्स हैं हमारे, कटिंग पैरामीटर्स हैं. ये हमारे पीएस पैरामीटर्स हैं, 3 stages 1 2 3. ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ. सबसे पहले हम कवर करेंगे आज ग्लोबल पैरामीटर्स को. सो ग्लोबल पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, ये हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं. मैं सिर्फ आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिर्फ बताने वाला हूँ आपको. सो अगर आप कभी इस चीज़ को ओपन करते हैं, अगर आप एक लेज़र मशीन यूज़र हैं, तो सिर्फ आपके लिए जानना ज़रूरी है. बट आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हर मशीन के पैरामीटर्स अलग अलग सेट होते हैं. अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स को सेट करके देती है. सो इसमें आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बस जानना है कि क्या मतलब क्या है इन सब चीज़ों का. बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ. सो आप देख सकते हैं, हमारी ये है मूविंग स्पीड. मूविंग स्पीड मैं आपको बताऊँ, मूविंग स्पीड ये होती है हमारी, हम कट कर रहे हैं, ये हमने सर्कल कट किया, हमारा ये सर्कल कट हुआ. इस सर्कल को कट होने के बाद हमारा नेक्स्ट सर्कल ये कट होना है. तो इसको कट करने के बाद जो हमारा कटिंग हेड की स्पीड रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, सो वो भी स्पीड हमारी मूविंग स्पीड है. ड्यूरिंग कटिंग जब हमारे कटिंग हेड कटिंग नहीं कर रहा है, तो उस बीच में जो उसकी मूविंग स्पीड है वो हमारी वो मूविंग स्पीड है. मतलब इस सर्कल को कट करने के बाद यहाँ तक के जाने में जो उसकी स्पीड रहेगी वो हमारी मूविंग स्पीड है. ये नॉर्मली हमारी मशीन टू मशीन डिफरेंस होती है. मैं अगर 1 kW लेजर की बात करूँ, तो हमारी 50,000 to 70,000 समथिंग ये हमारी स्पीड होती है. आपकी मशीन में कुछ अलग भी हो सकती है, मे बी बट इतनी रहेगी 50,000 to 70,000. बट जो भी होगी आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ये 1 kW के अंदर इतना रहता है, 50,000 to 70,000. फ्रेम स्पीड आपको पता ही है, हम फ्रेम लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये हमारी फ्रेम स्पीड है. ये आपके 20,000 to 30,000 के बीच में होती है. सो आपकी मशीन में कुछ भी हो, बट आप उसको छेड़ेंगे नहीं, बिकॉज वो आपके मैन्युफैक्चरर ने सेट की हुई है. अगर आप इसमें कुछ भी छेड़ते हैं तो आप ट्रबल में पड़ सकते हैं, एंड उसके लिए आपको वो सही नहीं कर सकते आप नॉर्मली, एंड आपको फिर फटका पड़ने वाला है अच्छे वाला. कोई टेक्नीशियन आएगा उसके लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेंड कोई टेक्नीशियन आएगा, वही उसको आगे ठीक करेगा. कुछ भी आप छेड़ते हैं तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मशीन पर. सो जो सेट है पहले से उसी को रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है. बस आपको जानना है ये है क्या. ये होता है हमारा कर्व प्रिसीजन, मतलब जो हम कर्व ले रहे हैं, सर्कल का कर्व है, आपका हेक्सागन कर्व है, या किसी भी टाइप का कर्व है, उसको कितना प्रिसाइज कटिंग करेगा, तो ये कर्व प्रिसीजन रहता है. ये हमारा 0.5 to 0.1 mm तक हो सकता है 1 kW के अंदर. मैं आपको 1 kW के अंदर बता रहा हूँ. सो आपकी मशीन में कुछ और भी हो सकता है, बट जो भी होगा आप उसको चेंज नहीं करेंगे. मूविंग एक्यूरेसी, मूविंग एक्यूरेसी ये हमारा जी में होता है, या अगर आपका मशीन पर अगर ये जी में है तो ये आपका 0.7G हो सकता है, 0.8G हो सकता है. अगर मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो ऑलमोस्ट 8,000 समथिंग हो सकता है. और नेक्स्ट है ये आपका कटिंग एक्यूरेसी, ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है अराउंड, अगर जी में है 0.8 0.9, अदरवाइज 8,000 to 10,000. तो ये जोग एक्यूरेसी मतलब जो आपका कटिंग हेड है उसकी एक्यूरेसी, ये भी आपको डिफरेंट होती है. जितनी हैवी मशीन होगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी. अब बात करते हैं हम मूविंग फ्रीक्वेंसी. मूविंग फ्रीक्वेंसी आपका ऑलमोस्ट हो सकता है 6 to 10 Hz, डिपेंड करता है स्पीड टू स्पीड. और जो वर्क फ्रीक्वेंसी आपका ऑलमोस्ट फोर ही होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, 5 हो सकता है या 3 भी हो सकता है. जोग फ्रीक्वेंसी 3, ओके. अब हम बात करते हैं लेजर पैरामीटर्स की. ये होती है हमारी पीडब्ल्यू एम फ्रीक्वेंसी में बताऊँ, कटिंग जो लेजर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, कटिंग लेजर की हमारी फ्रीक्वेंसी.
5000 हर्ट्ज से होती है, अगर हम फाइबर लेजर को यूज कर रहे हैं। डेफिशिएंसी कर्व आपका 50% से लेके 80% 100% तक हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग उसने कौन सा आपका लेजर सोर्स यूज किया है एंड उसका डिफिशियंसी कर्व कितना है। 50 to 100 आपको मिलेगा। ये डीप प्रेशर की बात करें तो 4 to 6 बार हो सकता है ये आपका। फ्रेंड्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपके लिए ये सिर्फ जानने के लिए है, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, नथिंग टू चेंज, जस्ट आपको जानना है। चेंज क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम स्पीड चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको लग रहा है कि फ्रेम या टाइम ले रहा है ज़्यादा, तो जैसे आपके 25,000 है तो आप 30,000 कर दीजिए, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इनमें हमें कुछ नहीं छेड़ना, फ्रीक्वेंसी में हमें कुछ नहीं छेड़ना है और प्रिसीजन में भी हमें कुछ नहीं छेड़ना है। मूविंग स्पीड नहीं छेड़ना है, अगर आप छेड़ देते हैं तो आपका वियर एंड टीयर जो है सर्वो मोटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगा और आपके मोटर फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आता है हमारा इनिशियल गैस डिले, स्विच गैस डिले, ये सब सेट रहता है। गैस का पैरामीटर्स हैं कि मतलब जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कितना डिले होती है, इनिशियल कितना होता है, स्विच के टाइम पे कितना डिले रहता है, थोड़ा गैस डिले आता है बिकॉज लेयर को उसको आपका कटिंग बीम को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए गैस को थोड़ा डिले करते हैं ताकि पहले वो हीट करे देन उसके ऊपर गैस पड़े। ये मिली सेकेंड में होता है, मतलब इतना कम होता है, आपको आप नॉर्मली आई से देख के पता नहीं कर पाएंगे कि कुछ डिले भी है। आप इस चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज आप इसमें यूनिट सेक्शन में कर सकते हैं। आप मान लीजिए डिले यूनिट को चेंज करना चाहते हैं, मिली सेकेंड से सेकेंड कर सकते हैं, मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। ये आपके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। स्पीड हम नॉर्मली मिलीमीटर पर मिनट रखते हैं, या कहीं कहीं पे हम मीटर पर मिनट भी रखते हैं, मीटर पर मिनट भी होती है कहीं कहीं पे, ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन आपको ज़रूरत नहीं है एक्सेलेरेशन को, क्योंकि आपके हिसाब से ये यूनिट कुछ भी हो बिकॉज क्योंकि आप एक्सेलेरेशन तो आप चेंज कर नहीं रहे हैं। ये आपका मूविंग एक्सेलेरेशन कट, सॉरी मैं आपको एक्यूरेसी बोल रहा था, एक्सेलेरेशन है मूविंग एक्सेलेरेशन, कटिंग एक्सेलेरेशन जो होता है, ये एक्सेलेरेशन आपको चेंज नहीं करना है। तो कुछ भी यूनिट हो आप इसको छेड़ेंगे नहीं, आप इसको जी में रख सकते हैं, कुछ मशीन में जी में भी रहता है, मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, प्रेशर यूनिट आप इसको चेंज कर सकते हैं, बार में रखना है आपको, बार में कंफर्टेबल है, बार में PSI में मतलब जो भी आपकी रीडिंग है, जो भी आपको ठीक लगता है इसमें आपको चेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। ये आपके फॉलोवर्स पैरामीटर हैं, फ्रॉग स्टाइल लिफ्ट होता है, एक जगह से कट करने के बाद जब दूसरी जगह जाता है तो फ्रॉग स्टाइल लिफ्ट होता है। ये भी आपको आपका जो मैन्युफैक्चरर है वही सेट करके देगा, जो पहले से सेट है, आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना है। मैक्सिमम फॉलोवर हाइट ये अलग अलग होती है, 8 to 10, ये आपका मैक्सिमम फॉलो, ये आपका 50 तक हो सकती है, ये आपका 10 to 50 तक हो सकती है, अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग। इनेबल फॉलो एंड ड्राई कट, नो नीड, हम ड्राई कट करते ही नहीं है, डिसेबल फॉलो नहीं करना है। स्टार्ट मूव ऑप्टिमाइजेशन इन शॉर्ट डिस्टेंस, नथिंग, कुछ नहीं छेड़ना इसमें, डेड पोजिशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम नहीं छेड़ेंगे, छेड़ते ही हमारा सब कुछ मामला बिगड़ जाएगा और सही नहीं होगा, फिर एक टेक्नीशियन आएगा वो ठीक करेगा और वो चार्ज करेगा। सो बस आपको जानना है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे पैरामीटर्स ही हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स हैं हमारे मशीन के। PLC प्रोसेस एडिट नहीं छेड़ना है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं डायरेक्ट कटिंग, सेट करंट प्रेशर, ये जो सब चीज़ें होते हैं ये हम जब मशीन को रेडी करते हैं, जब उस पर टेस्टिंग करते हैं, किसी भी लेयर को सेट करते हैं, तब हम इस चीज़ को सेट करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हमारी शीट वेस्ट होती है, गैस वेस्ट होती है, और नॉर्मल जो है एक आदमी इसको सेट नहीं कर सकता, इसको एक इंजीनियर ही सेट करेगा और वो क्या करेगा इसमें कि इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करेगा, अलग अलग प्रेशर डाल के सेट करेगा, चेक करेगा हाइट के अकॉर्डिंग, सब चीज़ ये अलग से सेट होती हैं। जब हम मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो अलग अलग थिकनेस के अकॉर्डिंग उसके पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं जब हम मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये तब का प्रोसेस है। PLC एडिट हमें कुछ इसमें नहीं करना है। आपको पासवर्ड अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने बताया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं बताया तो भी आपके लिए अच्छा है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप एक मशीन यूज़र हैं तो। कंपनसेट प्रिसीजन, कंपनसेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, फ्लाई कट ओवर डिस्टेंस फ्लाइंग कटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये उसके प्रिसीजन है 0.5, 0.05, 0.05 एनएफ।
नॉर्मली इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा आप प्रिसाइज लेज़र में भी थोड़ा मतलब आप मान के चलिए जो मोटर्स की भी एक्यूरेसी होती है 0.02 mm एंड 0.03 mm रिपीटेबिलिटी इतना रहता है, तो ये ओके है, 0.05 मिलेगी आपको मैक्सिमम। ओके, ये हमारा हो गया ग्लोबल पैरामीटर्स। अब आते हैं हम लेयर पैरामीटर्स में। आप देख सकते हैं कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में होता है, ये चेंज हो गया। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड होती है, जो भी आपके लेयर सेट रहेंगी उसमें रहेगी। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक हम कटिंग कर रहे हैं 1 mm MS, ओके, और हमारी जो है फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है या कटिंग खराब हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, जैसे उसमें हमारी 8000 के आसपास रहती है, 8000 mm per minute। सो आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी डिक्रीज करके देख सकते हैं, 8 की जगह आप कर सकते हैं 8000 की जगह कर सकते हैं आप 7500। पहले इसको चेंज करते हैं, ओके। तो जैसे हम MS कट कर रहे हैं 1 mm, और स्पीड है हमारी 8000, कटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है या सही से नहीं कट रहा है, सो आप उसको कम कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 7500 कर सकते हैं, अच्छी आती है, वेल एंड गुड। और इसका रीजन क्या हो सकता है, बहुत बार जब आपको लगता है कि कटिंग कम करने से, कटिंग स्पीड कम करने से आपकी फिनिशिंग अच्छी हो गई है, सो इसका रीजन होता है कि आपका जो प्रोटेक्टिव लेंस है, प्रोटेक्टिव मिरर जो है आपका, जिसको आप चेंज करते हैं, वो आपका डर्टी हो चुका है या फिर उसमें कोई बर्निंग स्पॉट आ गया है, या अगर डर्टी है तो आप उसको क्लीन करिए, अदरवाइज उसको चेंज कर दीजिए अगर कोई बर्निंग स्पॉट आ गया है। अब बात करते हैं हम लिफ्ट हाइट की। ये आपको छेड़ना नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ लिफ्ट हाइट होता क्या है। लिफ्ट हाइट होता है हमारा, जैसे हमने सर्कल कट किया, ओके, अब दूसरा सर्कल हमारा ये कट होना है, स्पीड मैंने आपको बताई थी यहाँ से जाने वाली स्पीड, मूव स्पीड। सो अब इसको सर्कल को कट करने के बाद जो हमारा जेड एक्सिस अप होगा, उठेगा, और जो जितना वो उठेगा उसको हम लिफ्ट हाइट बोलते हैं। हमारा 50 mm उठेगा और 50 mm उठ के यहाँ जाएगा मूविंग स्पीड से, एंड देन फिर नीचे आएगा। सो ये हमारी लिफ्ट हाइट होती है। कटिंग हाइट आपकी, कटिंग हाइट आपकी मतलब जो आपकी शीट कटिंग हो रही है उससे हमारा नोजल कितने ऊपर है, ये हमारी कटिंग हाइट होती है। ये आपको 0.5 से 1 mm के बीच में मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग, 0.5 to 1 mm का। कटिंग गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है आपकी अलग, जैसे आप NS कट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, और आप GI कट कर रहे हैं, स्टील कट कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील या कॉपर वगैरह कट कर रहे हैं तो आप नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं। कट प्रेशर, ये भी आपका डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कट करंट की। ये आपका नॉर्मली 100% होता है, हमें कट करंट भी 100% यूज़ करना है। पावर आपका, जैसे आपका 2 kW का लेज़र है तो आप इसको पावर को, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये 20 है तो इसको हम जैसे 80 करते हैं, तो आप देख सकते हैं चेंज हो गया 80% में, 800 लाइक ये 1 kW के हिसाब से। सो जैसे 2 kW का हमारा लेजर सोर्स है, तो जैसे हम 1 mm का कट कर रहे हैं तो उसमें हमारी कट करंट कम हो सकता है, कट पावर हमारी थोड़ी कम हो सकती है, बट मैक्सिमम केसेस में हमारी 100% ही होती है। कट फ्रीक्वेंसी मार्किंग के टाइम पे 1000 होती है, कटिंग के टाइम पे हमारी 5000 होती है। बीम साइज नो नीड नथिंग, अलग अलग ये चेंज भी नहीं होती है, ये आपका लेजर सोर्स पहले से ही सेट होता है बीम साइज पे, या तो आपका 50 माइक्रोन बीम साइज होगा या 100 माइक्रोन बीम साइज होगा, ये मैन्युफैक्चरर सेट करके देता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कटिंग फोकस आपका अलग अलग थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग 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 होता है, लाइक आप MS कट कर रहे हैं तो उसमें आपका जो कटिंग फोकस होगा वो पॉजिटिव में होगा, और स्टेनलेस स्टील में या फिर आपका GI में नेगेटिव में होगा आपका कटिंग फोकस। और एक चीज और, कटिंग फोकस एंड लिफ्ट हाइट ये एक दूसरे का इन्वर्सिबल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप कटिंग हाइट चेंज करेंगे कटिंग फोकस चेंज हो जाएगा। लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे आपका कटिंग फोकस 2.5 है और कटिंग हाइट आपकी 0.5 है, ओके, अगर आप इसको कटिंग हाइट को 0.5 से 1 कर देते हैं तो आपका कटिंग फोकस चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी बट इंटरनली वहां पे चेंज हो जाएगा। सो हमें कटिंग हाइट को नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना, जो सेट है वही हमारी सेट रहेगी।
आप अपनी तरफ से टेस्टिंग करने की ट्राई मत करिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप कटिंग हाइट को, सॉरी कटिंग स्पीड को चेंज करके देख सकते हैं, आप कटिंग फोकस को चेंज करके देख सकते हैं, आप प्रेशर को चेंज करके देख सकते हैं, कटिंग प्रेशर को। ये तीन चीज़ों के साथ आपको खेलना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं खेलना। अब कटिंग फोकस की हम बात करें, कटिंग फोकस जैसे आपका कटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब बर आ रहा है नीचे, तो आप इसको थोड़ा इंक्रीज या थोड़ा डिक्रीज करके देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, थोड़ा प्रेशर के साथ में खेल के देख सकते हैं, बस इतना। इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन आप सही बैठा पाते हैं तो आपकी कटिंग अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिले टाइम कुछ नहीं छेड़ना है, लेजर ऑफ डिले नहीं छेड़ना है। ओके, अब आती है स्लो लीड। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये हमारे इनेबल हो जाएंगे। स्लो लीड में आपको बताऊँ, जैसे हम हाई थिकनेस कट कर रहे हैं, लाइक 6 mm, 8 mm, 10 mm, तो उसमें हम स्लो लीड का यूज़ करेंगे। बिकॉज जब हम लीड को स्टार्ट करते हैं, पियर्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें स्लो लीड का यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो मेटेरियल है वो हैवी है, एंड उसको उस टेम्परेचर तक, कटिंग टेम्परेचर तक, डिजायर टेम्परेचर तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम लीड को थोड़ा स्लो रखेंगे। स्लो रखेंगे तो वो उसको टाइम मिल जाएगा हीट होने का, और वो अच्छे से हीट हो जाएगा, सो आपका मेल्ट होकर कटिंग अच्छी होगी। अगर आप लीड स्लो नहीं करेंगे तो आपका थोड़ा सा पोर्शन जो है खराब कटिंग होगा, उसको टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में डिजायर टेम्परेचर तक, तो इसलिए लीड को हमें स्लो रखना है अगर हम हायर थिकनेस पे कटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा शॉर्ट मूव है, शॉर्ट मूव हाई थिकनेस में हमें शॉर्ट मूव का यूज करना है। दोनों शॉर्ट मूव मैं आपको बताऊं, लीड के बाद में मूवी मूव शॉर्ट होता है, मतलब मान लीजिए कि आपकी जो लीड की लेंथ है 2 mm है, ठीक है, 2 mm तक स्लो लीड चलेगी, शॉर्ट मूव आपका, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट मूव चलेगा लाइक 3 mm या 4 mm। सो टोटल 5 या 6 mm के बीच में, जब जब हम 5 to 6 mm कटिंग कर लेंगे हाई थिकनेस को, तो वो अब एक कटिंग के डिजायर टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, एंड उसके बाद आपकी जो कटिंग है वो अच्छी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हायर थिकनेस पे हमें स्लो लीड का यूज़ करना है अगर स्टार्टिंग में आपको कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपका सही से कटिंग नहीं हो रहा है तो। ओके, स्लो स्टॉप ज़रूरत नहीं होती, हमें स्लो स्टॉप की ज़रूरत नहीं होती है, स्लो लीड इट्स ओके। कर्व एडिट नहीं छेड़ना है, मैन्युफैक्चरर सेट करते हैं, अलग अलग टेस्टिंग करते हैं बहुत टाइम तक, अगर आपने इसको एक बार छेड़ दिया तो आप इसको सेट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कर्व है पावर एंड स्पीड के बीच में, सो जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है पावर बढ़ती जाती है, तो इसको हमें नहीं छेड़ना है। अब आते हैं पियर्सिंग पे। नो पियर्सिंग, कम थिकनेस पे हमारी कोई पियर्सिंग यूज नहीं होती, लाइक 1 mm, 1.5 mm, अगर 1 kW का लेजर है, 2 kW का लेजर है तो 2 mm तक भी नो पियर्सिंग, नथिंग, हमें जरूरत नहीं पड़ती। फिर आता है हमारा वन स्टेज पियर्सिंग, ओपन हो गया, जैसे ही हम 2 mm पे जाएंगे, 3 mm पे जाएंगे, वन स्टेज पियर्सिंग। इससे आगे बढ़ेंगे 4 mm, 5 mm, 6 mm, 2 स्टेज पियर्सिंग, आगे बढ़ेंगे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3 स्टेज पियर्सिंग। तो ये हमारी पियर्सिंग स्टेजेस हैं, मैं आपको एक पियर्सिंग स्टेज को बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि 3 स्टेज पियर्सिंग भी क्या होती है। हम वन स्टेज पियर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो हमारा स्टेप टाइम अलग होगा, पियर्सिंग हाइट हमारी अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लाइक 2 mm हो सकती है, 1 mm हो सकती है, 3 mm हो सकती है, प्रेशर अलग होगा, पावर अलग होगी, ये बीम साइज नहीं, सॉरी, ये पियर्सिंग फ्रीक्वेंसी अलग होगी। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे हम थ्री थ्री स्टेज पियर्सिंग लेके चलते हैं, तो पहले हमारा जो पियर्सिंग हाइट होगी 15 mm, 15 mm ये ऊपर आके, शीट के 15 mm ऊपर आके उसको पियर्स करेगा, ठीक है, थोड़ी देर उसको पियर्स करेगा, लाइक हमें पियर्सिंग टाइम इसमें 200 मिली सेकेंड दे रखा, तो इतनी देर ये पियर्स करेगा 15 mm के ऊपर आके। फिर उसके बीच, मतलब जब हम ये 15 mm पे आपका पियर्स कर रहा होगा, उस टाइम पे हमारी पावर ये होगी, या और पियर्सिंग पावर ये होगी, और मतलब ये सब चीज़ अलग अलग होंगी, ये आपका अलग अलग सेट होंगी, ठीक है। सो अगर हम 15 mm पे पियर्सिंग कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। 15 mm करने के बाद फिर ये आएगा सेकेंड स्टेज पियर्सिंग पे, अगर हम 3 स्टेज पियर्सिंग कर रहे हैं तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर हमारा 15 mm से नीचे आ जाएगा 5 mm पे, वहां पे पियर्सिंग करेगा इन पैरामीटर्स के साथ में। फिर आएगा थर्ड स्टेज पियर्सिंग पे, 1 mm ऊपर, यहाँ पियर्सिंग करेगा। हमारी, अब मैं आपको इजीली समझाता हूँ, हम 10 mm MS कटिंग कर रहे हैं, ठीक है,
उसमें थ्री स्टेज पियर्सिंग हमारी यूज हो रही है। थ्री स्टेज पियर्सिंग के अंदर पहले उसने 15 mm के ऊपर होल किया, लाइक 3 mm तक उसने होल किया 15 mm ऊपर आगे, मतलब हमारा कटिंग हेड 15 mm ऊपर था। इन पैरामीटर्स के साथ में उसने 3 mm का होल कर दिया 10 mm की शीट में, ठीक है 3 mm का होल हो चुका है। अब वो आता है सेकेंड स्टेज पियर्सिंग पे, ठीक है 5 mm ऊपर आ गया, उसने 3 mm तक तो कर ही दिया था, उसने फिर उसको 3 mm से लेके 7 या 8 mm तक का होल किया है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेज पियर्सिंग कंप्लीट होगी अलग पैरामीटर्स के साथ में। फिर आएगा वो थर्ड स्टेज पियर्सिंग पे, अब हमारा 8 mm तक का होल हो चुका है 10 mm की शीट में, अब हमारा बचा है 2 mm। सो थर्ड स्टेज पियर्सिंग पे आके वो हमारा जो बचा हुआ है उसको पूरा क्लियर कर देगा। सो अब हमारा 10 mm की शीट में पूरा 10 mm की पियर्सिंग हो चुकी है, हमारी थ्री स्टेज पियर्सिंग कंप्लीट हो गई है। अब आ जाएंगे हम कटिंग में, अब हमारी कटिंग स्टार्ट होगी, कटिंग स्पीड होगी, लिफ्ट हाइट होगी, कट हाइट होगी, ये सब पैरामीटर्स 10 mm के अकॉर्डिंग अलग होंगे, शॉर्ट मूव होगा, स्लो लीड होगी। सो अब आप समझ गए होंगे पियर्सिंग क्या होता है एंड कटिंग क्या होता है। पियर्सिंग के अंदर हैवी थिकनेस में थ्री स्टेज पियर्सिंग हो रही है, कम में टू स्टेज में हमारा काम हो जा रहा है, और कम में एक स्टेज में काम हो जा रहा है, और जहाँ पे हाइट मतलब सॉरी जो आपकी थिकनेस है बहुत ही मिनिमम है 1 mm 1 point, तो हमें वहाँ पियर्सिंग की ज़रूरत नहीं होगी। सो क्योंकि हमारी बीम की जो पावर है वो इतनी एनफ है कि वो एक ही बार में उसको एक ही झटके में उसको पूरा क्लियर कर दे रही है, पूरा उसको क्या बोलते हैं ड्रिल कर दे रही है, होल कर दे रही है, तो उसमें हमें पियर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 mm 1.5 mm में। सो जब भी हम इसको फ्लाई कटिंग को यूज़ करते हैं, मैं आपको बताया था फ्लाइंग कटिंग के दौरान कि हम पियर्सिंग का यूज़ नहीं करते हैं, फ्लाई कटिंग में हमारा पियर्सिंग का यूज़ नहीं होता है, वो कंटिन्यूस कटिंग करता है। ओके अब मैं बताता हूँ आपको प्री पियर्स क्या होता है। प्री पियर्स आपका प्री पियर्स आपका लाइक ये हमारे 10 mm की शीट है और हमें ये सारे कटिंग करनी है, ये सारे होल्स कटिंग करने हैं, ये पूरा हमारा जो है ग्राफिक है। तो प्री पियर्स में क्या करेगा, पहले थ्री स्टेज पियर्सिंग यहाँ कर देगा, पियर्सिंग करके खत्म कर देगा, कटिंग नहीं करेगा, यहाँ पे पियर्सिंग कर देगा, कटिंग नहीं करेगा, खत्म। पहले सारी पियर्सिंग मार लेगा, पियर्सिंग करने के बाद फिर ये पियर्सिंग में क्योंकि हीट हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो पियर्सिंग करने के बाद जब सारी पियर्सिंग कंप्लीट हो जाएंगी, मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग करा था इसने, पियर्सिंग पहले ये किया था, सब पियर्सिंग करने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, तब तक ये कूल डाउन हो जाएगा और इसमें होल पहले से ही है, कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको ये कटिंग करेगा। तो पहले पियर्सिंग कर लेगा फिर कटिंग करेगा प्री पियर्स में। इवेपोरेशन फिल्म, इवेपोरेशन फिल्म आपने देखा होगा जो हमारी एसएस की शीट्स होती हैं, स्टेनलेस स्टील की शीट्स होती हैं, सो उनके ऊपर एक पन्नी चढ़ी हुई होती है, ठीक है। सो उसको पन्नी के साथ में हमें कट करना है, तो हम इवेपोरेशन फिल्म का यूज़ करेंगे, यहाँ हमारी इवेपोरेशन लेयर आ गई, आप देख सकते हैं कटिंग हाइट, लिफ्ट हाइट, कटिंग करंट 30% करंट, मतलब आपको ये पहले ये अब दो स्टेप में कटिंग करेगा, पहले उस फिल्म को कटिंग करेगा फिर जो हमारी है शीट उसको कटिंग करेगा, तो ये हमारी इवेपोरेशन फिल्म होती है। पाथ कूल, पाथ कूल होता है हमारा जैसे हम कटिंग कर रहे हैं मतलब पियर्सिंग कर रहे हैं, सो पाथ कूल पर अगर क्लिक कर देंगे, देखिए ये हमारा पाथ कूल है, कटिंग स्पीड ये है, कटिंग हाइट ये है, लिफ्ट हाइट ये है। तो जब हम पाथ कूल का यूज़ करेंगे तो होगा क्या, हाई थिकनेस में हमारी हीट ज़्यादा होती है, स्पीड कम होती है, तो उसको कूल डाउन करना पड़ता है, तो पाथ कूल का यूज़ करेंगे, ये रुक रुक के बीच में उसको थोड़ा सा नॉर्मल एयर डालेगा, लेजर नहीं आएगा, उससे होगा क्या कि वो हमारा कूल डाउन होता रहेगा साथ साथ कटिंग में, क्योंकि अगर ज़्यादा हीटिंग हो जाती है तो हमारा जो है जो थिकनेस है, जो कॉर्नर्स हैं, वो जो हमारे मतलब जो हमारी साइड है कटिंग साइड, वो हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है हाई हीटिंग की वजह से। तो कूलिंग लेयर हमारी पाथ कूल जो है कूलिंग लेयर है, वो बीच बीच में रुक के उसको कूल डाउन करती रहेगी, ताकि वो कूल डाउन रहे, टेम्परेचर एक डिजायर स्टेट तक रहे, ज़्यादा इंक्रीज ना हो, और हमारी कटिंग अच्छी हो, हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। मल्टी टाइम्स एक बार करेंगे, मल्टी टाइम्स करेंगे तो मल्टी टाइम्स हो जाएगा, कितनी बार करना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कीफ पफिंग, पफिंग का मतलब है, कीफ पफिंग का मतलब है, मैं आपको बता दूँ, सॉरी मैं इतने मतलब एक्साइटेड होके बोल रहा हूँ, बार बार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कीफ पफिंग, ओके कीफ पफिंग का मतलब है लाइक हम इसको कट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा लेयर और लेजर आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है या नाइट्रोजन जो भी गैस आ रही है, तो पफ हो रहा है, मतलब पफिंग का मतलब है पफ हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है उसमें या नाइट्रोजन निकल रही है। सो कटिंग करने के बाद होता क्या है, हमारा ऑक्सीजन भी रुकता है और लेजर बीम भी रुकती है, एंड यहाँ पे जाएगा एंड दोबारा स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन बीम भी, ऑक्सीजन सॉरी लेजर बीम एंड हमारी गैस। तो इस बीच में क्या है, अगर हम की पफिंग रखेंगे हमारी लेजर तो बंद होगी बट गैस हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी यहाँ से आने से लेके यहाँ तक आने के बीच में,
कटिंग हेड जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो उस बीच में हमारी गैस बंद नहीं होगी, गैस कंटिन्यू फ्लो होती रहेगी, इसको हम पीफ पफिंग बोलते हैं। पफ होता है ना ये, मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है हमारा पफ, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ब्लो होता है, एयर निकलती है, तो वही पफिंग है। डिसेबल नहीं करना है हमें, डिसेबल फॉलो, फॉलो हमारा मैं आपको दिखाऊंगा, कभी आप फॉलो करके देखना कटिंग हेड पे, अगर मैं मशीन पे जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा फॉलो क्या होता है। फॉलो जैसे आप क्लिक करते हैं कटिंग हेड नीचे आता है और एक सर्टेन हाइट पे आकर रुक जाता है, वो कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी उसमें मतलब कैलिब्रेशन का कैपेसिटेंस है उस पे आके वो रुक जाएगा, तो इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेजर कटिंग पैरामीटर्स के ऊपर वीडियो, मैंने आपको एज मच एज पॉसिबल जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर आपको कुछ छूट गया हो, आपको लगता है कुछ छूट गया कुछ रह गया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको भी बताने की आपको ट्राई करूंगा। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, या मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, एंड मैं इस बार ट्राई करूंगा कि एक मशीन पे वीडियो लेके आऊँ, और मैं आपको इस बार रिमोट के सारे फंक्शंस बताने वाला हूँ, हमारे रिमोट के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनका यूज़ है। सो बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जैसे आप हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं बहुत ही जल्द, टेक केयर।